भी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के परिणाम घोषित। इस बार भी छात्राओं ने मारी बाजी। 12वीं की पीहू ने जिले में किया टॉप। पंजाब कांग्रेस सेवा दल की ओर से प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खेड़ा के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ लुधियाना के भारत नगर चौक में रोष प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लुधियाना लोकसभा सीट और विधानसभा दाखा के लिए चुनाव लड़ चुके टीटू बनिया डीसी को अपनी कार बेचने पहुंचे डिप्टी कमिश्नर कार्यालय। कन्नौज में शादी की शाम दुल्हन की तबीयत बिगड़ने से प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने कोरोना के डर से उसका इलाज नहीं किया। दुल्हन की मौत की खबर से दूल्हे के घर की खुशियां बदली मातम में। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के मद्देनजर कोविड 19L2 अस्पताल बनाए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने नवीन हॉस्पिटल के सिकंदराबाद में 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाए जाने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। यूपी के बांदा में एक विवाहिता की करंट लगने से मौत। विवाहिता के परिजनों लगाया हत्या का आरोप। परिजनों ने मामले की जानकारी संबंधित थाने को दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फाजिलका के सीआईडी विभाग में तैनात सब इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। दो की तलाश जारी। मुख्य आरोपी को सब इंस्पेक्टर पर उसकी मां के साथ अवैध संबंध का था शक। मोगा में 60 वर्षीय किसान के सोते समय गला रेतकर हत्या मामले में 48 घंटे के अंदर पुलिस ने किया खुलासा। मामले में दोषी अभियुक्तों को भेजा जेल। जमीन को लेकर किसान की बहू और नाती ने की थी बुजुर्ग की हत्या। संभल सड़क निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे विद्युत पोल के दूसरे जगह हटते ही 40,000 लोग 10 घंटे विद्युत कटौती से हुए परेशान। बिना बिजली सराय तरीन हैंडीक्राफ्ट कारीगर भीषण गर्मी से हुए बेहाल। काम किया बंद। बिहार झारखंड राज्य में नक्सल गतिविधियों को देखते हुए सोनभद्र छत्तीसगढ़ की पुलिस ने की कॉम्बिंग। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले ग्रामीणों से उनके मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन।